सो गाइस, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि एक्सेस मोबाइल ऐप्स को यूज़ करके आप अपना स्टेटमेंट को कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं न्यू अपडेट के साथ। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल अजीज, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप से मोबाइल ऐप्स हम फाइनली आपके सामने में आ लाए हैं, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आपका जो मोबाइल है वो बायोमेट्रिक से ओपन होता है, तो बायोमेट्रिक दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से अपना एम पिन को डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बायोमेट्रिक कैंसिल करके आपको एम पिन से लॉगिन करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। फाइनली हम एम पिन को डाल दिए। डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है। ऊपर भी मेरा बैलेंस अकाउंट शो हो रहा है और सबसे ऊपर देख सकते हैं हाय अब्दुल अजीज़, ये मेरा ही अकाउंट डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल ऐप्स है वो मोबाइल ऐप्स अपडेट किया हुआ नहीं है तो उसको आप एक बार ज़रूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन में एक्सिस बैंक का जो मोबाइल ऐप्स है वो अपडेट हो चुका है, तो उसमें अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। करने के बाद जब आप व्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट बैलेंस और यहाँ पे अभी 5 ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। तो नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दोनों दो टाइप के स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके अपना जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट मंथ का चेक कर सकते हैं या लास्ट 180 दिन मतलब 6 मंथ का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद सर्च बाय डेट रेंज, तो आप यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं, सिर्फ ओनली यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट को डाउनलोड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जब रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेफ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट करंट बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। या उसके बाद नीचे सिलेक्ट बाय ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट मंथ कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट 3 मंथ कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट 6 मंथ कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक की तरफ से ये चारों ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट बाय डेट एंड रेंज, तो आप यहाँ पे टैप करके अपना एक हिसाब से आप डेट को सिलेक्ट करें, उसके बाद लास्ट डेट को शुरुआत डेट सिलेक्ट करना है और लास्ट डेट सिलेक्ट करना है। हमें मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी शो किया जाएगा, तो उस ईमेल आईडी आप एक बार चेक कर लेना है कि ईमेल आईडी सही है। तो इसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पे अपना जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी में सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड वाले क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो फाइनली डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ACC अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट का नंबर का लास्ट 4 डिजिट, डाउनलोड कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं मेरा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से बैक आएंगे, फिर से बैक आने के बाद फिर से मोबाइल ऐप्स में आएंगे। मोबाइल ऐप्स में आने के बाद फिर से और एक बार चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। करने के बाद ईमेल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ईमेल स्टेटमेंट ऊपर के जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन करना है, जो आपका अकाउंट नंबर है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस डेट से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट टू डेट यहाँ पर शो किया जाएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो एम पिन है, मतलब मोबाइल ऐप्स में जब लॉगिंग करते समय जो एम पिन आप यूज़ करते हैं उस एम पिन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं
हम एम पिन को यहाँ पे डाल देते हैं। तो फाइनली हम एम पिन को डाल दिए है। तो डालने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सक्सेसफुली सेंड किया जा चुका है। उसके बाद हम ईमेल आईडी को ओपन कर लेंगे। तो फाइनली हम ईमेल आईडी पे आ चुका है। तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आ चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इस स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जो जिस डेट से सिलेक्ट किए हैं वो डेट यहाँ पर शो किया जाएगा और यहाँ पे सब कुछ आपका डिटेल्स शो किया जाएगा। ठीक है, तो नीचे में आपका पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ में पीडीएफ को ओपन करना है, लेकिन ईमेल आईडी में जब अपना जो स्टेटमेंट को सेंड करते हैं तो उसी टाइम यहाँ पे आपका मतलब आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड यहाँ पर देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड में आपका नेम का फास्ट 4 करेक्टर मतलब कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो उसको हम डाल लेते हैं, 4 करेक्टर हम डाल दिए हैं। उसके बाद आपका जो कस्टमर आईडी है उस कस्टमर आईडी को यहाँ पे फिल करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपका नाम और आपका जो कस्टमर आईडी है वो चेक करके यहाँ पे फिल करके इसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना स्टेटमेंट को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट नेट बैंकिंग में जा करके उस स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करते हैं वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।